नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होने जा रहा है, आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों को क्या फल देंगे, क्योंकि कन्या राशि में ही अब सूर्य भगवान जाने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब भी सूर्यदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे भी कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको कन्या संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और विस्तार से अब जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए अगले एक महीने सूर्य भगवान क्या फल देने वाले हैं। 16 सितंबर की शाम 7:24 पर लगभग सूर्य कन्या राशि में होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 17 तारीख की सुबह से जो सूर्य भगवान के फल मिलने शुरू होंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक, यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य जो है सभी ग्रह जितने भी बाकी ग्रह हैं उन सबको प्रकाश देते हैं। सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य शक्ति है, सूर्य मनोबल है, सूर्य उच्च पद है, सूर्य शासन है, सूर्य सत्ता है, यानी कि आप कह सकते हैं सूर्य से ही सब कुछ प्रकाशमान है। तो कन्या राशि वालों को क्या मिलेगा ये जानते हैं। सूर्य को ग्रहों की राजा की उपाधि जब मिल जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति को सूर्य भगवान अच्छे फल देने लगे तो व्यक्ति को भी राजा जैसी प्रसिद्धि मिलती है, यानी टॉप की पोजीशन मिलती है और व्यक्ति दिन पर दिन तरक्की करता रहता है। लग्न में सूर्य का बैठना, यानी कि प्रथम भाव में सूर्य का गोचर में बैठना, वाणी में कठोरता लेकर आएगा। आपकी वाणी कठोर हो सकती है, आपकी राशि के लिए यह गोचर परेशानी भरा और चुनौती भरा होगा, क्योंकि आपको जमाने से भी लड़ना है और खुद से भी लड़ना है, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है और आगे आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार कर उन पर विजय प्राप्त करनी है। तो संघर्ष बढ़ेगा, लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आपके मूड में चिड़चिड़ापन या उखड़ा उखड़ापन सा आ सकता है, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, या आप व्यर्थ की छोटी छोटी बातों पर इतने चिंतित हो जाएं कि आप खुद ही परेशानियों का कारण बन जाएं। आपके काम जो आप कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हैं, चाहे वो नौकरी के हैं, चाहे वो व्यापार के हैं, चाहे वो अन्य हैं, वो अधूरे छूट सकते हैं, पूरा होते होते रुक जाए काम, या बीच में ही आपका मन उखड़ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, तो आपने काम को बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दिया, कुछ और शुरू कर दिया या टालते गए, ऐसा हो सकता है। आप धन इत्यादि के मामले में थोड़े से लकी रहेंगे, पैसा फिर भी कहीं ना कहीं से इधर उधर से आ जाएगा, कम मेहनत पे भी पैसा आ जाएगा, या कुछ समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड लाभ हो जाए, जो सोचा ना हो वैसे पैसा मिल जाए, इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं होंगी जिससे आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी महसूस नहीं होगी। जमीन जायदाद भी आप बना सकते हैं, आपको कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, आपके पक्ष में ऑफर मिल सकते हैं, तो इसमें भी आपको बेहतर है। बाकी सब जगहों पर थोड़ा तनाव है, वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है, जिसके कारण आपका परिवार आपसे नाराज रह सकता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा, चिंताजनक बातें हो सकती हैं, गृह क्लेश हो सकता है, तो इन सब में भी आपको बचना होगा। परिवार का माहौल खराब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको सभी बातें सभी से खुल कर करनी होंगी, आपके बॉस हैं, कोई समस्या है तो उनसे अपनी समस्या को खुल के कहें, घर में धर्मपत्नी है या धर्मपति हैं तो उनसे खुल कर कहें, माता जी से कहनी है, बहन से कहनी है, भाई से कहनी है, प्रेमी से कहनी है, मित्रता में किसी से कहनी है, जिस भी रिश्ते में कोई है तो खुल कर बातें कहें, बातों को घुमाएं फिराएं नहीं और आधी अधूरी बातें ना बोलें, गोल मोल बातें ना करें, तभी समस्याओं का हल निकलेगा, वरना आप अपने दिल में समस्याओं को लेकर घूमते रहेंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा और आप चिंतित होते जाएंगे और चिंता की वजह से आपका दिमाग जो है वो कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, इस वजह से गुस्सा आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। स्वाभिमानी होंगे आप, लेकिन चंचल प्रवृत्ति के भी होंगे और कुछ काम आप जो है ना बड़ी
चतुराई से भी कर लेंगे अपने। अब स्वाभिमान ऐसा होगा, भले कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी शान में किसी ने थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी तो आप उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे, उसकी ऐसी बुरी दुर्गति करेंगे कि पूछिए मत। मान लीजिए आप बड़े हैं, किसी के घर गए या किसी से मिले, उसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, पानी नहीं पूछा, पैर नहीं छुए या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा, तो आप इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना लेंगे, आपका स्वाभिमान जाग जाएगा। इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही कर बैठेंगे। आपके घर में संतान का जन्म हो सकता है, आपकी संतान तरक्की कर सकती है, आपके घर में आपकी जो पत्नी है या कोई अन्य महिला, ये बात सिर्फ पुरुषों की हो रही है, तो अगर आपकी पत्नी है या कोई और महिला है, वो आपके ऊपर कोई एहसान कर सकती है, कोई उपकार कर सकती है, आपको किसी मुसीबत से बचा सकती है। इस समय में जब मुसीबत होगी तो आप भागते भागते उनके पास चले जाएंगे मदद मांगने के लिए, जैसे ही वो मदद कर देंगी और आप मुसीबत से बाहर निकल आएंगे, उसके बाद आप उनको धुतकार देंगे या कठोरता से बोल देंगे या कुछ भी ऐसा बोल देंगे जो उनकी की कड़ाई मेहनत पर पानी फेर देगा, क्योंकि आपका काम तो बन गया। तो ये रिश्तों को भी बिगाड़ेगा, तनाव भी देगा और परेशानियां भी पैदा करेगा। तो किसी के उपकार का थैंक यू ना बोल सके तो उसको गाली भी मत दीजिएगा या कोई अभद्र व्यवहार भी मत कीजिएगा, वैसे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कन्या राशि वाले तो बेहतर रहेगा। आपको सूर्य की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अच्छी नहीं दे रही है इस समय में। आपको हृदय रोग भी हो सकता है, सेहत को भी आपको देखभाल करना होगा, कोई समस्या है हृदय संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी, तो यहाँ पर भी आपको दवा वगैरह लेनी होगी वक्त पर, एक्सरसाइज करनी होगी और सब कुछ ख्याल रखना होगा आपको। तो सेहत भी कहीं ना कहीं नासाज होती हुई दिखाई पड़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य आपको तरक्की तब देंगे जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, जब आप इधर उधर की बातों में ही लगे रहेंगे और लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, ईर्ष्या पाल लेंगे मन में, दूसरों से कठोरता से बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, घर का माहौल खराब होगा, ऑफिस का माहौल खराब होगा, तो कहीं ना कहीं मन जो है आपका छिन्न भिन्न रहेगा। तो सूर्य के इस गोचर में कन्या राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान में बिठा लें अगले एक महीने तक। और कहीं अगर सूर्य की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में बेहतर नहीं है तो आपके लिए परिणाम और अत्यधिक घातक हो सकते हैं। और आपकी लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, तो ये परिणाम थोड़े से कम हो सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आपके पिताजी की जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उनका पैर दबाइए, उनको खाना खिलाइए, उनके काम करिए जो वो कहें, उनकी आज्ञा का पालन करिए या पिता के समान किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आदर सत्कार करें तो भी आपको लाभ होगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना, सुबह सुबह उठकर योग प्राणायाम करना, भागना दौड़ना, उगते हुए सूरज को नमस्कार करना, उगते हुए सूरज के साथ त्राटक करना, ये सब आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो गलतियां हैं वो आपसे कम होंगी और आप अच्छा जीवन जिएंगे और एक महीने काफ़ी बेहतर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। रविवार को गुड़ का दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा दे दें, किसी ब्राह्मण को दान दे दें, जो भी आपसे संभव हो सब करें और खुद पे संयम रखें, कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर जरा सा भी आप भड़के या जरा सा भी आप अपनी पटरी से उतरे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कन्या राशि वाले अगले इस महीने को बिताएंगे तो बेहतर रहेगा। ये तो आपका था सूर्य के गोचर का प्रभाव कन्या राशि पे, कन्या राशि स्पेशल। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और वो उसका निवारण ढूंढ नहीं पा रहे हैं या कई बार ढूंढने की कोशिश की तो सही से ढूंढ नहीं पाए। तो अगर आपके जीवन में अभी तक कोई समस्या कोई परेशानी है जो अभी तक आप सुलझा नहीं पाए हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे और आपकी जो उलझने हैं उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हरिओम, नमस्कार।